अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। प्रारंभ में यह धारणा थी कि कुछ कार्बन युक्त पदार्थ जैसे शक्कर, स्टार्च, कपूर, यूरिया आदि हमें सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। सजीवों ऑर्गेनिज्म में इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति वाइटल फोर्स पाई जाती है। सजीवों में इनके संश्लेषण के कारण रसायन की इस शाखा को, जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक रसायन कहा गया। परंतु 1828 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोहलर ने अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया, मूत्र में उपस्थित पदार्थ का प्रयोगशाला में संश्लेषण कर यह दिखाया कि इन पदार्थों के निर्माण के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह पहली बार कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से किया गया। फ्रेडरिक वोहलर। जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोहलर 1800 से 1882 अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यौगिक यूरिया के सबसे पहले संश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर जैव शक्तिवाद वाइटलिस्टिक थ्योरी, जिसके अनुसार सजीवों में पाए जाने वाले पदार्थों के बनने के लिए विशेष जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, का खंडन किया। वोहलर ने लीबिक के साथ कड़वे बादाम के तेल का अध्ययन किया और साथ ही अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सिलिकन बेरिलियम को उनके मिश्रण से पृथक करने का कार्य भी किया। कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकन नाइट्राइड के संश्लेषण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बनिक रसायन ऐसा रसायन है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम श्रृंखलन कैटेनेशन कहते हैं। यही कारण है कि प्रकृति में बहुत अधिक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। आज ज्ञात पदार्थों में लगभग 96% यौगिक कार्बनिक हैं। हम जानते हैं कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं। यदि ये द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रमशः एल्कीन तथा एल्काइन कहा जाता है। कक्षा 9वीं में हमने हाइड्रोकार्बन एल्केन का विस्तृत अध्ययन किया है। एल्केन को सूत्र RH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब RH से एक हाइड्रोजन परमाणु अलग किया जाता है, तब जो मूलक बनता है उसे एल्किल मूलक कहते हैं। इसे सामान्यतः R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मेथेन CH4 तथा एथेन C2H6 से एक एक हाइड्रोजन परमाणु अलग करने पर क्रमशः मेथिल CH3 तथा एथिल C2H5 मूलक प्राप्त होते हैं। क्या कार्बनिक यौगिकों के सभी गुणों का निर्धारण इन्हीं मूलकों द्वारा होता है या किसी अन्य समूह द्वारा? आइए इसे समझें। परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो किसी एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है और उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे ही कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सारणी 1 में कुछ क्रियात्मक समूह दर्शाए गए हैं। आपने कास्टिक सोडा का नाम सुना होगा। इसका सूत्र NaOH है, अर्थात OH ऋणायन के साथ सोडियम जुड़ा है। आइए OH समूह से जुड़े एक यौगिक का उदाहरण देखें। यदि मेथेन
CH4 के एक हाइड्रोजन को OH समूह से प्रतिस्थापित किया जाए तो मीथिल एल्कोहल CH3OH प्राप्त होता है। इस तरह हमने OH युक्त दो यौगिकों को जाना, NaOH तथा CH3OH। इन दोनों यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। उपरोक्त दोनों संरचनाओं में OH, Na धनायन और CH3 मूलक से किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ा है? अभी हमने दोनों यौगिकों का संरचनात्मक अध्ययन किया। आइए अब इन यौगिकों की प्रकृति को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझें।